कभी कभी ना इस तरीके का प्रॉब्लम आपके मशीन में भी होता होगा। तो ये देख रहे हैं कि ये जो पाउडर है ये आपस में पॉकेट में चिपक गई है, उछल नहीं रहा है। तो इसका क्या रीज़न होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मसाला का कंटेंट है वो पॉकेट में आपस में चिपक गया है। तो इसका क्या रीज़न होता है ये मैं आपको बताता हूँ और क्या इसमें करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए प्रीमिक्स जो होता है, एक तो पहला कारण होता है थोड़ा सा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा नमी होनी चाहिए प्रीमिक्स के अंदर। और ये दोनों पाउडर में देखने को मिलता है, आप अगर ब्लैक बनाते हो तो ब्लैक में भी ये प्रॉब्लम होता है, और वाइट प्रीमिक्स में, जैसा कि ये वाइट है T1 बेस, तो T1 बेस प्रीमिक्स में या फिर और कोई भी वाइट हो, चाइना वाइट हो या फिर वियतनाम का वाइट पाउडर हो, उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका रीज़न क्या है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखिए, जो हमारा फरफरी होता है, फरफरी का जो ये हैंडल है आपको दिख रहा होगा, ये आप देखिए जो ये फरफरी का हैंडल है, तो ये हैंडल में ज़्यादा गैप होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो गैप कैसे होगा, तो ये आपका बॉकेट है, तो बॉकेट के साइज़ में ये जो गैप होता है, तो इस गैप की वजह से क्या होता है कि ये प्रीमिक्स का जो है कंटेंट वो जमा हो जाता है। तो इसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले प्रीमिक्स आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से पूरा जम जाता है। तो इससे होगा क्या कि आपका पाउडर जो है उछलेगा नहीं, और उछलेगा नहीं तो ये जो है मशीन रुक रुक के चलती है। प्रीमिक्स पाउडर थोड़ा निकाल लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं हाथ उंगली डाल रहा हूँ तो मेरी चालू उंगली जो है यहाँ पे घुस जा रही है, तो ये गैप को हमें कम करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो पाउडर होता है वो कैसे उछलेगा। तो ये बॉकेट खोलना पड़ेगा, तो खोल रहे हैं अभी। तो ये बॉकेट खुल गया। अब यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा हैंडल होता है, मतलब फरफरी का जो हैंडल होता है, तो इसमें बॉकेट में जो गैप है वो कम बनने की वजह से प्रीमिक्स आपस में जम जाती है और उछलता नहीं है। तो इसको क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा आपको पहले तो आप जो मुड़ा हुआ है उस पोजीशन को सीधा कर ले। इसको जो बेंड था वो हमने सीधा कर लिया, उसके बाद आपको हल्का सा मोड़ना है। इतना ही मोड़ना है आपको कि जो बॉकेट है हमारा वो इसमें टकराए ना। इसको हमने थोड़ा सा मोड़ लिया, मतलब और बेंड कर लिया है, क्योंकि गैप जो था वो बंद हो जाएगा। तो बॉकेट हम डाल के देखते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, जो कि गैप था वो पूरा कम हो गया है। अब ये कम होने की वजह से क्या होगा कि जो मसाला रहेगा वो आपस में नहीं चिपकेगा, मतलब इस बॉकेट के किनारे पे नहीं चिपकेगा। तो वो भी चला के दिखाता हूं मैं, और देखिए कि ये जो उंगली थी पहले घुस जा रही थी, अभी नहीं घुस रही है, मतलब पूरा गैप जो है वो मैंने कम कर दिया। ये प्रीमिक्स डाल दे रहे हैं, तो ये हमने प्रीमिक्स पाउडर डाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं कि इसमें उछलता है कि नहीं मसाला। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरी तरीके से उछल रहा है। तो उछलने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो पाउडर जमा रहेगा वो जमेगा नहीं, और ये रनिंग करके ये उछलती रहेगी। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसका प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।